हेलो फ्रेंड्स, अल्पना मौसमी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की ये शानदार रेसिपी। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी आसान है। तो फिर चलिए बनाते हैं आलू की मसालेदार कतली। तो कतली बनाने के लिए मैंने लिया है 6 आलू। इसे मैंने छील लिए हैं, इसके छिलके उतार लिए हैं और अच्छी तरह साफ़ कर लिए हैं। इसे अब हम काट लेते हैं इस तरह से मोटे मोटे स्लाइसेज में। अगर आपका आलू छोटा है तो आप उसे 2 बराबर भागों में ही काट लें। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इस तरह से हमें सभी आलूओं को काट लेने हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और इसमें हम पानी डालकर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो आलू में स्टार्च है वो निकल आए। तो 10 मिनट बाद इसे हम अच्छी तरह 2 से 3 बार धो लेंगे। तो ये आलू मैंने इसे साफ़ कर लिया है। तो आइए इसे हम किचन तवल पे डाल देते हैं, ताकि इसमें जो भी पानी है वो ख़त्म हो जाए। इसे हम अच्छी तरह इस तरह से पोंछ लेंगे। पोंछना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसे हमें फ्राई करना है। तो ये देखिए, आलू को मैंने अच्छी तरह सुखा लिया है, पोंछ लिया है। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। और तेल को हमें अच्छी तरह गर्म कर लेना है। आलू को हमें गर्म तेल में ही फ्राई करना है इस तरह से, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो फ्लेम को हमें लो नहीं करना है, इसे हमें हाई फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं। और इसे हम इस तरह से पलट पलट के फ्राई करेंगे। आलू को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा कलर आया है, आलू हमारा फ्राई हो गया है। तो बाकी सभी स्लाइसेस को हमें ऐसे ही फ्राई करने हैं। जब इसका कलर चेंज हो जाए तभी इसे हम निकाल लेंगे। तो ये परफेक्ट कलर है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं किचन तवेल पे। तो ये आलू हमारा फ्राई हो गया है। अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। तो मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैंने डाले हैं 2 चम्मच के करीब सरसों के तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे हम जीरा आधी छोटी चम्मच और 1 तेज़पत्ता। आप चाहे तो कुछ खड़े गर्म मसाला भी डाल सकते हैं। बारीक कटे हुए प्याज 1 बड़े साइज के। और प्याज को हमें अच्छी तरह भूनना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो इसमें डाल देते हैं नमक। तो मैंने अभी नमक थोड़े से डाले हैं और नमक मैं बाद में डालूंगी। और अब हम प्याज को भूनेंगे अच्छी तरह, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं प्याज का कलर जो है हल्का चेंज हो गया है। तो इसे हमें और भूनना है। ये मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन, इसे मैंने इस तरह से कूच लिया है। अब ये प्याज हमारा परफेक्टली फ्राइड हो गया है। इसमें हमें डालने हैं कद्दूकस किया हुआ टमाटर। आप चाहे तो टमाटर के प्यूरी भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टमाटर को कद्दूकस कर लिया है। हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच। यह आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप तीखापन चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च के पाउडर डाल दें 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे के पाउडर, हींग, ये लिया है मैंने गरम मसाला 1 चम्मच और नमक। तो नमक हमें ध्यान से डालना है क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाले हैं। और मसाले को हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जब तक कि जो टमाटर है अपना पानी ना छोड़ दे। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसे हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा फ्राई हो गया है और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाले हैं। अगर आपका मसाला ज़्यादा ड्राई हो गया हो तो आप पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब डाल देते हैं इसमें फेटा हुआ दही। तो दही हमें फ्रेश लेने हैं, ताज़ा दही का ही इस्तेमाल करना है 1/2 कप के करीब। और दही डालने से पहले आप फ्लेम को लो कर दें, कभी कभी दही फट जाता है। और ये जो कप में थोड़ा सा दही लगा हुआ था उसी का मैं पानी डाली हूँ। और इसे आप थोड़ा सा टेस्टी बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा बटर डाल दें। तो ये अनसाल्टेड बटर है। और इसे हम ढककर कुक करेंगे मसाले को। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह कुक हो गया है और जो ऑयल है वो भी रिलीज हो गया है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है मसाले से। तो चलिए इसमें डाल लेते हैं फ्राई किए हुए आलू। आलू हमारा आधा पका हुआ है। तो अब हमें आलू को लो फ्लेम पे ही पकाने हैं
और ये मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। अगर आपका मसाला बहुत ज़्यादा सूख गया हो तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो चलिए इसे ढक देते हैं और इसे हम लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि आलू हमारा अच्छी तरह पक जाए और जो ऑयल है वो भी रिलीज हो जाए। तो ये आलू कतली बनकर हमारा तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम डाल देते हैं धनिया पत्ता और इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। यह सब्जी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो ये आलू हमारा पक गया है अच्छी तरह और देख सकते हैं आसानी से निकल रहा है। तो चलिए अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप इस सब्जी को सर्व कर सकते हैं पराठा, पूड़ी, नान या चावल के साथ। तो होप सो आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय।